देहरादून नगर निगम के महापौर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि इस वर्ष का हाउस टैक्स नगर निगम ने 50 करोड़ वसूली का टारगेट निर्धारित किया। उन्होंने कहा कि 36 से 37 करोड़ हाउस टैक्स का कलेक्शन अब तक हो चुका है। महापौर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि अभी तक कलेक्शन संतोषजनक है। उन्होंने कहा कि फरवरी और मार्च में और बेहतर कलेक्शन कलेक्ट होने की उम्मीद है, जिसमें नगर निगम देहरादून अपने स्तर से प्रयास कर रहा है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। तो देहरादून से आपको खबर बताई, जहां नगर निगम के महापौर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि इस वर्ष का हाउस टैक्स नगर निगम ने 50 करोड़ वसूली का टारगेट निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि 36 से 37 करोड़ हाउस टैक्स का कलेक्शन हो चुका है और अब बचा जो कुछ कलेक्शन है वो संतोषजनक है। और अभी लगता है कि अभी 36-37 करोड़ रुपए जो है हमारे आ चुके हैं, और अभी मार्च का महीना चल रहा है। 80 सरकारी विभागों को भी जो है नोटिस गए हैं, सबके जो है अगर पैसे आ जाएंगे तो 50 करोड़ का भी हम इसको भी टारगेट पार करें। तो आपको देहरादून से हमने खबर बताई, जहां देहरादून नगर निगम के महापौर सुनील उनियाल गामा ने बताया है कि इस वर्ष का हाउस टैक्स नगर निगम ने 50 करोड़ वसूली का टारगेट किया था, जिसमें से 36 से 37 करोड़ टैक्स का कलेक्शन हो चुका है। महापौर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि अभी तक का कलेक्शन संतोषजनक है। उन्होंने कहा कि फरवरी और मार्च तक बेहतर कलेक्शन कलेक्ट हो सकेगा, जिसमें नगर निगम देहरादून अपने स्तर का प्रयास कर रहा है। चलिए इसी के साथ इस खबर पे हमारे साथ देहरादून से हमारे ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, इस बार जो है 50 करोड़ का हाउस टैक्स का टारगेट रखा गया था, जिसमें से 36 से 37 करोड़ की वसूली भी हो चुकी है, क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल देखिए अश्मिता, यहाँ पे अगर बात करें नगर निगम की, तो लगातार जिस तरीके से टैक्स की बात करते रहे हैं, पहले काफी टाइम से जो है यहाँ पे टैक्स लोग नहीं देते थे, कई कई साल तक, चाहे वो इंडस्ट्री वाले हो, उद्योगपति हो, चाहे वो कमर्शियल जो है यहाँ पर जो है मॉल वाले हो, तमाम चीजों को तो लेकर। परंतु जिस तरीके से देखा जाए तो पिछले साल से जो है नगर निगम ने जो है कमर कस रखी है और नए नए जो है यहाँ पे हथकंडे अपना के उनके ऊपर जो है चालानी कार्रवाई भी की है, उसको नगर निगम लगातार जो है वसूली की ओर अग्रसर बढ़ता रहा था। क्योंकि अब मार्च का महीना आ रहा है तो टैक्स वसूली की यहाँ पे लगातार कवायद चल रही है। और जो महापौर की बात है, महापौर से जो आज हमारी बात हुई है, उन्होंने बताया कि जो नगर निगम का जो टैक्स है 50 करोड़ का उनका टारगेट था, जिसमें से लगभग 36,000 के करीब फरवरी तक उनके पास कलेक्शन हो चुकी है। परंतु जिस तरीके से 50 करोड़ की बात कहे, उनका कहना था कि हमने सभी को जो है नोटिस भेज दिया, जो बकायादार है उनको हमने बाकायदा नोटिस भेज दिया है, और जो टैक्स नहीं दे रहे कई सालों से उनके ऊपर बाकायदा चलानी कार्रवाई भी की जा रही है और उनके ऊपर पेनल्टी भी जो है उनसे वसूली की जाएगी। कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव साइन है ये दर्शाने के लिए कि नगर निगम अपना काम जो है सुचारू रूप से कर रहा है। ये बिल्कुल देखिए अश्मिता, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि जिस तरीके से नगर निगम काम कर रहा है और जिस तरीके से अभी देखा जाए तो स्वच्छता के ऊपर भी उसको जो है यहाँ पे कई अवार्ड भी मिल चुके हैं, और जो पायदान की बात करें 315 से जो है वो लगभग 70 पे आ चुका है। तो ये तमाम चीजों को लेकर नगर निगम अपनी कार्रवाई कर रहा है, चाहे वो स्वच्छता की बात करें, टैक्स वसूली की बात करें, और टैक्स की जो बात करें, जिस तरीके से पहले जो है करोड़ों रुपए का बकाया रहता था, अब वहां पे उसका मुश्किल से 10 या 12% जो है बकाया है, उसको भी जो है कहीं ना कहीं मार्च में वसूल कर लिया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवनीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो देहरादून से आपको खबर बताई, जहां नगर निगम ने 50 करोड़ टैक्स का यहां पर एक टारगेट सेट किया था, जिसमें से अब जो है आधा टारगेट, आधे से ज्यादा हम कह सकते हैं, पूरा हो गया। कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है नगर निगम के सुचारू रूप से काम करने का।